जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर हुए आत्मघाती हमले के विरोध में बाराबंकी के लोगों ने पाकिस्तान का पुतला फूंककर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस गमगीन मौके पर पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सतीश कुमार सहित अनेक पुलिसकर्मियों द्वारा शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों के काफिले पर हुए आत्मघाती हमले के विरोध में जनपद में जगह जगह श्रद्धांजलि सभा कर विरोध प्रदर्शन किया गया। पटेल तिराहे पर अधिवक्ताओं के द्वारा शहीद उद्यान पार्क में, पत्रकारों के द्वारा बड़ेल चौराहे पर, भारतीय युवा कल्याण फाउंडेशन द्वारा तथा नगर के प्राचीन हनुमान मंदिर के सामने धनुर्वर चौराहे पर हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय महामंत्री मनीष श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष धर्मवीर, महामंत्री मुकेश सिंह चौधरी, अभिषेक राजाबाबू, नरेंद्र आदि सहित सैकड़ों लोगों द्वारा जुलूस निकालकर पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान तेरे टुकड़े हजार होंगे जैसे नारे लगाते हुए चौराहे पर पाकिस्तान का झंडा जलाकर तथा उसे पैरों से रौंदकर विरोध प्रदर्शन करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मांग की है कि जल्द से जल्द ऐसे कृत्य करने वाले आतंकवादियों और उनको संरक्षण देने वाले पाकिस्तान पर इतनी सख्त कार्रवाई की जाए कि दोबारा ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो सके। ये बताइए, कल जम्मू के जो पुलवामा में घटना हुई है सैनिकों के प्रति, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया एकदम स्पष्ट है। हम लोगों का स्पष्ट मानना है कि जो देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करके देश की सीमाओं की रक्षा के लिए हमारे बहादुर जवान निरंतर अपना तन मन धन सब न्यौछावर करके वहां पर काम कर रहे थे, उसके ऊपर कायराना हमला जो पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने किया है, उससे पूरे देश के 125 करोड़ लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने इसे अपने परिवार पर हमला माना है और उसी का प्रतिकार करके पाकिस्तान को उसी की भाषा में खून के बदले खून, एक के बदले दस की जो है मांग करने के लिए, ये सारा समर्थन करने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। सारे के सारे लोगों की भावनाओं का सार यही है। भारत माता की जय।